नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन के रिलेशन में कौन कौन से फैक्ट और बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेट्रोमैन के उपनाम से जाना जाता है, किसको मेट्रोमैन के उपनाम से जाना जाता है। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेसिस हैं, आप अपना आंसर भी लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में हमें आप ये भी बता सकते हैं कि 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो देखिए मेट्रोमैन के उपनाम से जाने जाते हैं श्रीधरन को, तो जिसका ए ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। ये श्रीधरन जो थे दिल्ली मेट्रो के भूतपूर्व निदेशक भी रहे हैं, ठीक है, और दिल्ली मेट्रो के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है, इसलिए इनको मेट्रोमैन के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, तो जिसका ए ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की थीम क्या है। देखिए जो हमारे भारत के प्रसिद्ध पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को। इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में जो है केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस डे का आयोजन करती है, ठीक है। और ये भारत के पूर्व और बहुत ही प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हैं, इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर तीन क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है। जो हमारा संविधान है उसमें हमारे राष्ट्र को किन किन नामों से जाना गया है या लिखा गया है। तो देखिए इसका सही आंसर है नंबर सी, भारत तथा इंडिया, ठीक है। दो नामों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में और इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद एक में, और अनुच्छेद एक के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि केवल दो नामों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर चार क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है, जिसको आप बोलते हैं एचडीआई, एचडीआई का पैरामीटर निम्न में से कौन सा नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर है नंबर डी, सामाजिक असमानता, ठीक है। बाकी के जो तीन हैं पैरामीटर वो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ये तीन पैरामीटर है। देखिए एचडीआई होता क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका प्रयोग करके यह पता लगाया जाता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है या फिर अविकसित है, ठीक है। और इसको मापने के तीन आंकड़े होते हैं, तीन पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। और देखिए जो एचडीआई है इसको डेवलप किया था पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक के द्वारा, तो इनका नाम भी पूछा जाता है। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, इन्होंने एचडीआई को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर पाँच क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान सदस्यों में कौन सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था। तो अष्टप्रधान आप लोग जानते हैं शिवाजी के थे, ठीक है, और जो उनकी सलाहकार परिषद थी, ठीक है, आठ सदस्यों से बनी थी, इसलिए हम इनको क्या बोलते थे, अष्टप्रधान बोलते थे। तो जो इनके विदेशी मामले हैं वो उनका देखरेख कौन करता था, तो उनकी देखरेख करते थे सुमंत, यानी कि इसका जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर छः क्वेश्चन है, माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो देखिए माचिस की तीली पर फास्फोरस का जो है यूज़ किया जाता है, तो जो इसका ए ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। ऐसा भी पूछा जाता है कि दिया सिलाई पर किसका लेपन किया जाता है, तो वो फास्फोरस का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सात, निम्न में से कौन सी रेट केवल सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। पाँच प्रकार की रेटें जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है जारी करता है, तो उनमें से ऐसी कौन सी रेट है जो केवल सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो ऐसी रेट को हम बोलते हैं परमादेश, यानी कि जो इसका वी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, और ऐसी रेट जारी करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सरकारी पदाधिकारी को यह याद दिलाता है कि हम आदेश जारी करते हैं कि आप अपने पद का इस प्रकार से ऐसा ऐसा उल्लंघन कर रहे हैं, तो इस रेट को हम बोलते हैं परमादेश, ठीक है। बाकी की जो पांच रेटें हैं मैं पहले आपको समझा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर आठ क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे
सी राजगोपालाचार्य, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ठीक है, और यदि हम बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की, तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लेकिन अभी पूछा है भारतीय गवर्नर, तो कौन हो जाएंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। यदि भारतीय शब्द नहीं जुड़ा होता तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका सही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 9 क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए WHO का मुख्यालय है जेनेवा में। ठीक है, तो जिसका वी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। और WHO का यदि हम बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, तो इसलिए जो है 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 10 क्वेश्चन है, इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। ठीक है, और यदि हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1923 को। ठीक है, और इसमें जो सदस्य देश हैं वो हैं 192 सदस्य देश हैं इसमें, तो इनको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11, सूर्योदय का देश किस देश के उपनाम है? तो किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, जापान को। ठीक है, जापान को सूर्योदय का देश के उपनाम से जानते हैं। और देखिए यदि हम बात करें थाईलैंड की, तो सफ़ेद हाथियों का देश कहलाता है थाईलैंड। यदि हम बात करें लाओस की, तो हजार हाथियों का देश कहलाता है लाओस। ठीक है, तो इनको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर 12 क्वेश्चन है, बगदाद किस देश की राजधानी है? तो देखिए इराक की राजधानी क्या है, बगदाद है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। और देखिए यदि हम बात करें इराक की मुद्रा के बारे में, तो इराक की मुद्रा क्या है, दिनार है। ठीक है, तो इसको भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 13 क्वेश्चन है, विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें कि पहला स्थान किसका होगा, तो पहला स्थान है चीन का, वो दूसरा किसका है, इंडिया का, तो इसको याद रखेंगे। नंबर 14 क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में स्थित है, तो जो इसका डी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नंबर 15, ताजमहल को डिज़ाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? आपको बताना है कि ताजमहल को डिज़ाइन किस वास्तुकार ने किया था, तो इसका सही आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी, यानी कि जो इसका वी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था। ठीक है, और इसके वास्तुकार पूछे तो अहमद लाहौरी हैं, और यदि पूछे कि इसका मिस्त्री या निर्माता कौन था, मिस्त्री यदि पूछे तो उस्ताद ईसा। ठीक है, उस्ताद ईसा जो है इसका मिस्त्री था। तो तीन प्रकार से क्वेश्चन आता है, निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने करवाया, इसके वास्तुकार कौन है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार हैं, इसके मिस्त्री पूछें तो उस्ताद ईसा इसके मिस्त्री हैं। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट याद रखेंगे। देखिए दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को अभी पोस्ट करके लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 16 क्वेश्चन है, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो आपको बताना है बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9 बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9, यानी कि जो इसका बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। और देखिए यदि हम बात करें कि बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा, USA। और देखिए यदि हम बात करें स्पेन का, तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, सांड युद्ध। ठीक है, वहाँ पर सांडों का युद्ध करवाया जाता है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, आइस हॉकी। ठीक है, और यदि हम बात करें स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, रग्बी फुटबॉल जो है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। तो सारे फैक्ट याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 18, सांडों को बस में करने का खेल जल्लीकूटी किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्लीकूटी अभी अब बाद में भी रहा है। ठीक है, न्यूज़ में कई बार इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये तमिलनाडु का जो है तमिलनाडु का खेल है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो खेल है तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, जिसमें होता क्या है, बैल जो रहते हैं उनसे इंसानों की लड़ाई करवाई जाती है, और इसमें बैलों को
बस में करना होता है, ठीक है। लेकिन अब आजकल ये ग्रामीण क्षेत्रों में होता है तमिलनाडु के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 19, मनुष्य कितने हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है? तो जो मनुष्य है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि है उसको आसानी से सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 20 क्वेश्चन है, रुपए के चिन्ह, जो रुपए का चिन्ह दिया गया है, ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? तो रुपए के चिन्ह की रचना की थी उदय कुमार ने, ठीक है। तो जिसका ए ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उदय कुमार ने कब की थी इसकी रचना? ये जो सिंबल है इसकी रचना की थी 2010 में। वो देखिए, दुनिया में भारत जो है ऐसा पांचवा देश बन गया है जिसकी मुद्रा की अलग पहचान है, अलग सिंबल है, ठीक है। तो ये हमारे जो मुद्रा का सिंबल है, ठीक है, इस प्रकार से तो पांचवा देश बन गया है पूरे वर्ल्ड में। 2010 में उदय कुमार ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 21, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो रामायण का फारसी में अनुवाद करने वाले जो थे वो थे बदायूनी, यानी कि जिसका बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए, रामायण एक ग्रंथ है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी, सभी लोग जानते हैं, और फारसी में अनुवाद किया था वदायनी ने, ठीक है। अकबर के कहने पे इसने ये अनुवाद किया था और अनुवाद करने में टोटल 4 वर्षों का इसके लिए समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक कौन है? देखिए, इसके संस्थापक हैं केशव बलिराज हेडगेवार। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, यदि हम बात करें इसकी स्थापना की, तो 27 दिसंबर 1925 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। यदि हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 23 क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का आपको यदि सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। तो जिसका ए ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, यदि हम बात करें कि यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु आपके पास 30 वर्ष होने चाहिए। यदि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो कम से कम आपकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए, और केवल आप मतदान करना चाहते हैं तो आपकी आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन मतदान करने की आयु पहले 21 वर्ष थी, फैक्टों को याद रखें, मतदान करने की आयु पहले 21 वर्ष थी और 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। कब, ये आपको बताना है। तो ये की गई थी 1989 में और 61वां संविधान संशोधन करके की गई थी, ठीक है। पहले आप वोट डाल सकते थे 21 वर्ष में, लेकिन 61वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1989 में, इसके माध्यम से 21 से घटाकर आपकी एज कर दी 18 वर्ष, इसलिए आज आप वोट डाल पा रहे हैं 18 वर्ष में, ठीक है। तो इन सभी फैक्टों को हम याद रखेंगे। देखिए, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 24 क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान चौथा है, ठीक है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, देखिए, हिंदी का स्थान चौथा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है। तो देखिए, पहले नंबर पर है चीनी, जिसको आप मंदारिन बोलते हैं, ठीक है, और चीनी बोली जाती है पूरे दुनिया में 14% लोगों के द्वारा, ठीक है, पूरे दुनिया का मैं प्रतिशत बता रहा हूँ, 14% लोग जो है चीनी बोलते हैं। दूसरा स्थान है स्पेनिश का, इसको दुनिया में जो है 5.85% लोग बोलते हैं। और तीसरा स्थान है अंग्रेजी का, इसको 5.52% लोग बोलते हैं। और चौथा स्थान किसका है? हमारी हिंदी का, और हिंदी को जो है 4.46% लोग बोलते हैं, ठीक है। तो सभी फैक्ट हम याद रखेंगे। पहले नंबर पे कौन है? चीनी, जिसको आप मंदारिन बोलते हैं, ठीक है, चीनियों की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 25, गैसों का दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो गैसों का जो दाब है उसको हम मापते हैं मैनोमीटर के माध्यम से। तो जो इसका डी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, यदि हम बात करें पायरोमीटर की, तो पायरोमीटर से उच्च ताप मापने वाला यंत्र है, ठीक हो, हम इससे हम क्या करते हैं, उच्च ताप मापते हैं। यदि हम बात करें रडार की, तो रडार से हम क्या मापते हैं, वायुयान की गति एवं दिशा मापते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें ग्रेविमीटर की, तो ग्रेविमीटर के माध्यम से पानी के अंदर तेल की उपस्थिति का पता लगाते हैं कि तेल में कितना पानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। भारत का एक न्यायवादी होगा, ठीक है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है?
तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपना स्कोर भी शेयर करें कि आपने 25-26 क्वेश्चन में से कितने सही क्वेश्चन का आंसर दिया। और यदि आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाना, अपने विचार कमेंट में बताना, यदि कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई चेंजमेंट करवाना चाहते हैं तो वो भी बताना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।